और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक घनश्याम तिवारी जो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं, घनश्याम तिवारी ने आज फिर राजस्थान बीजेपी और मुख्यमंत्री पे तीखे वार करते हुए साफ शब्दों में कहा कि अब मुख्यमंत्री दो बंगले नहीं रख सकती हैं और उन्हें एक बंगला खाली करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश के कानून पर टिप्पणी करते हुए कानून को असंवैधानिक घोषित किया था, उसी परस्पर राजस्थान का भी एक कानून बना हुआ है। घनश्याम जी ने यह भी बताया कि उन्होंने मंत्री विधायक का विरोध किया था, राज्यपाल के पास भी वह इस मामले को लेके गए थे, राज्यपाल ने भी काफी असंवैधानिक काम किए हैं, इन सभी का हम विरोध करेंगे। आज राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो दो बंगलों में रह रही, एक बंगला नंबर 13 जिसमें वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाते रह रही है और एक बंगला नंबर 8 जिसमें वो मुख्यमंत्री के नाते रह रही, इन दोनों में रहने का उसको कोई अधिकार नहीं। इसलिए जिस पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाते रह रही है वो 13 नंबर बंगले को अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो उसको तुरंत खाली करना चाहिए, इमीडिएट। अगर वो खाली नहीं करती है तो ये वो मुख्यमंत्री रहने के योग्य नहीं, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना कर रही है, अवहेलना कर रही है और तानाशाही दिखा रही है। जब हमारी संवाददाता ने पूछा उनसे कल होने वाले विरोध के बारे में, तो देखिए क्या कहा घनश्याम जी ने। सर, जैसा कि आपने जो भी स्टेप्स लिए, ये जो आप मतलब आगे बढ़ावा दे रहे हैं या जो भी, ये मतलब आपको क्या लगता है कितना परसेंट ये खरा उतरेगा, कितनी सफलता आपको मिलेगी? नहीं, किस चीज़ में? ये जो आपने स्टेप लिया है, आप जैसे कल आप सिविल लाइन्स में बंद रहेगा आपने एक बोला है, तो ये आपको क्या लगता है कि आपको कितनी परसेंट सफलता इसमें मिल जाएगी? देखिए, हमारा काम जन जागरण करने का है, जनता का विरोध प्रदर्शित करने का है। इसलिए कल तो सिविल लाइन्स पर जयपुर के दीनदयाल वैन के कार्यकर्ता इस कानून की प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट करेंगे। उसके बाद 10 दिन तक विभिन्न जिला स्थानों पर वायन के कार्यकर्ता प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट करेंगे। ये विरोध प्रकट उसी का अंग है जो हमने पहले एकात्म सत्याग्रह किया था, जिसके कारण से हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया था, लोकायुक्त को ज्ञापन दिया था, उसी की कड़ी में ये काम है। क्योंकि हमारी बात पर अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगा दी और इनका नैतिक कर्तव्य है कि तुरंत खाली करें, वरना ये अनैतिक है। इस बात को राज्य की जनता तक पहुंचाने का हमारा काम है। जब घनश्याम जी से पूछा गया उनके और बीजेपी के रिश्ते के बारे में, तो जवाब कुछ ऐसा आया कि अब बीजेपी से उनका सिर्फ तकनीकी रिश्ता रह गया है और मैं अपनी खुद की पार्टी पे काम करना चाहूंगा। सारे काम हुए, आपने भी अनुशासनहीनता का भी दिया, वो दिया, कोई कार्रवाई नहीं, आपने अपने आप कहते हैं भाजपा से कोई संबंध नहीं है। हाँ, नहीं, फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति वो आपको निकाल नहीं रहे, हटा नहीं रहे, आप पे मोहर तो भाजपा की लगी हुई है। देखिए, आप भाजपा के जाएंगे तो मोहर तो भाजपा की लगी हुई है। तकनीकी रूप से है, मैं बीजेपी का एमएलए हूं, लेकिन मुझे मैं जब चुनाव लड़ा था उस समय भारतीय जनता पार्टी ने के जो मुख्यमंत्री हैं और उसके जो प्यादे हैं उन लोगों ने मेरा पूरा विरोध किया, उनके विरोध के बावजूद में जीत कराया, इसलिए मेरे जीत में उनका कोई योगदान नहीं। एक बात, दूसरी बात यह है कि मैंने 4 साल से जब से मेरे पर हमला हुआ उसके बाद में किसी मीटिंग में किसी कार्यक्रम में उनके नहीं, और उनको जो मुझे नोटिस दिया था उसका मैंने भरपूर जवाब दे दिया। अभी उन पर है कि वो मेरे पर कार्रवाई करें, और उनमें दम नहीं है तो मेरे पास उनमें दम भरने की कोई गुंजाइश नहीं है।